मुझे बैठे बैठे बताए करके दिखाऊंगा अल्लाह के, अल्ला के फसल से मेरी टांगों में इतना दम है क्या मुझे कुछ बताएंगी मैं आपको करके दिखाऊंगा वादा करके कर वादा है वादा <laughs> वादा रहा सनम ये बैठे बैठे यही कर सकता है वादा रहा आज मेरी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ पल्ले जो उन्होंने कहा पता नहीं रहे मेरे पल्ले पल्ले

जब आप ज्यादा खाते हैं हर वक्त कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं मीठा लेते हैं तो वही फैट में स्टोर हो जाते हैं ना आपकी बॉडी में अगर आप उसको अपनी एनर्जी को यूज करेंगे मूवमेंट में रहेंगे तो कभी भी ये ना पल्ले आपके ये, <laughs> ना ये पल्ले आपके पल्ले आप रहेंगे समझाने में अच्छा लग रहा है ना आपको। <laughs> <laughs> और मैं ना हमेशा यही कहती हूँ कि दो ही चीजें चेंज कर लें ले लाइफ को एक अपनी डाइट को चेंज कर लें दूसरा आप अपनी मूवमेंट मूवमेंट कर लें डाइट मैं समझा कह रही हूँ वाइफ को चेंज कर ले <laughs> ये आपको अपने मतलब की बात सुनाई नहीं, नहीं, नहीं मेरे मतलब की बात नहीं है मैं देखो भाई अल्लाह माफ करे हम नहीं इस तरह की बात कर सकते कि वाइफ को चेंज कर ले अगर उसने सुन लिया तो फिर है ये कि कुछ नहीं मेरे पले <laughs> ते बंदा पल्ले थले ते फिर बल्ले 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 <laughs> बल्ले बल्ले भी हो बल्ले <laughs> सब असल मसला ये है कि उनकी बात नहीं हो रही कि पले बढ़ने से रोके जाए यानी यहाँ पे कमर पे चर्बी आ गई है उसको कैसे रोका जाए अगर आ गई है तो उसको कम कैसे किया जाए ये बुनियादी सवाल है जितनी आप लोग ब्रीदिंग करेंगे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे जितनी मूवमेंट करेंगे जैसे कि आज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कुत मुदाफियत को बढ़ाने की बात कर रहे थे उसमें भी मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि आपकी पॉइंट्स है बॉडी में हंड्रेड से ज्यादा लिम नोट हैं जिसपे आप प्रेशर डालते हैं तो आपके वाइट ब्लड सेल सही बनते हैं

हमारा जैसे हमारा सूर्य नमस्कार करते हैं ऐसे चंद्र नमस्कार भी करते हैं उसमें भी साइड की भीजे है ये साइड जो बाहर से सिर्फ आपके फैट को कम नहीं करेगा अंदर से आपके किडनीज के लिए आपकी पैंक्रियाज अच्छा। के लिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बड़ा जबरदस्त है आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट है उसको भी योगा कम करता है उसे विसरल फैट कहते हैं एक फैट तो हमें दिखाई देती है ना एक हमारे अंदर ऑर्गन फैट है जो हमें नजर ही नहीं आती हर ऑर्गन को उसने ढांपा हुआ है हाँ जी उस फैट को जैसे लिवर फैटी लिवर कहते हैं उस फैट के लिए योगा उस फैट पे काम करता है Mm. जी, जितना आप मूव करेंगे जितने आप ट्विस्ट करेंगे कभी आपकी डायबिटीज नहीं होगी कभी आपको लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा और बाहर से तो पल्ले खत्म हो जाएंगे Let's जितना show. ट्विस्ट करेंगे जी mm.

लेकिन मसला ये है कि जब आपकी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी निचली मंजिल पे जो लोग रह रहे होते हैं ना वो आपको गालियाँ दे रहे होते हैं वेले दी एक्सरसाइज याद आ गई मशीन <laughs> ला के बैठे ने अच्छा अल्लाह साढ़े नसीब ए वर्जशी मशीन लाई असि कपड़े धोना नहीं लाई साहिबा अगर आपने फिटनेस और खूबसूरती की मिसाल देनी है ना तो अपनी चीफ मिनिस्टर की दिया करें, ये इधर उधर के रास्ते ना मुड़ा करें और मैं आपको ये इजाजत देती हूँ बिना रॉयल्टी लिए आप मेरी पिक्चर अपने स्टूडियो में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है आपने उसके नीचे जरूर लिखवाना है मियाँ नारे भजने विकी कैसे मियाँ नारे कि आप मुझे ये इजाजत दे रही है की मैं अपने योगा स्टूडियो में आपकी पिक्चर लगाऊँ और ताकि सब लोग यही समझे की आप ये जो माशाल्लाह से हुनों जमाल है ये सब योगा की वजह से ये सच है अच्छा आप योगा करती हैं बिल्कुल करती हूँ मैं तो समझी थी शायद केसन इतना अल्लाह ताला ने आपको दिया दियान तो तो अल्लाह ताला ने दिया है लेकिन फिटनेस से मैंने उसको के रखा माशाल्लाह वैसे तो आप अपनी उम्र से आधी दिखाई देती हैं लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगी की अगर आप मेरे स्टूडियो में आके मेरे साथ योगा करें तो अपनी उम्र से और दस साल पीछे चली जाएंगी देखिये साहिबा अगर मैं आपकी बात मान लू ना तो मेरे हाथ से चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी तो इसके लिए मेरी तरफ से माजरत है कोई ऐसा योगा बताएं कि वो पंद्रह साल रह जाए अच्छा वरा साहब आप कमर की चर्बी की तो बात कर रही हैं ये जो आंखों में चर्बी आ जाती है इसका भी इलाज है जैसे जुनेद सलीम की आंखों पे आई हुई है इसको मेरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती बताओ इसको कोई इलाज सवाल करके फस गए ना दिल से सोच रहे ने ए की पूछ ले जुनैद जी बताइए लेकिन जैसे पूरी बॉडी की चर्बी को आप खत्म कर सकते हैं ना इसी तरह फेशियल योगा इसका ये योगा में यही तो फायदा है कि आप बॉडी के साथ साथ अपने फेस फेस के 43 मसल्स की भी एक्सरसाइज करते हैं हम फेशियल योगा करवाते हैं जिससे सारी एक्सेस फैट जो है वो खत्म हो जाती है और आपके फीचर इन्हांस होना शुरू अच्छा। हो जाता अच्छा। है आंखों की चर्बी खत्म हो जाती है ये जो फेशियल योग है इसमें कौन सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइज है जो सारे मसल्स को नहीं तो चले ज्यादा से ज्यादा मसल्स को एक्टिव आपको बताया ना फेस पे 43 हाँ। है। आपके पे के बाजू कर देते हैं फेस की एक्सरसाइज नहीं करते सिर्फ तीन बेसिक एक्सरसाइजेज आप फेस की रोज कर लेना जब आप उसकी आदत बना लें सामने मिरर पे आप एक लगा लें फेशियल एक्सरसाइज स्माइल तो आपको याद रहेगा मैंने फेशियल एक्सरसाइज करनी है इसमें सबसे पहले होती है फिश स्माइल आपके पूरे ये जॉ लाइन को ये आपके सारी चीक बोन को करती करती है है और टाइट करती है इन मसल्स को आपने ऊपर से अपने अब मैंने आगे से बंद अच्छा। किया है ना अंदर से जॉ लाइन को खोलना है दांतों को खोलने की कोशिश करनी है आप एक सेकेंड कर सारा प्रेशर आएगा खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते तो

कहीं से बैक्टीरिया ले लेते ले हैं वायरस ले लेते हैं बहुत तेज़ी से एकदम लोग बीमार हो जाते हैं फ्लू हो जाता है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है बीमारियां अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं हर रोज जो मैं आपको बता रही हूँ आप ये प्रैक्टिस में रखते हैं तो आप बहुत जल्दी बीमार नहीं होंगे आपको बहुत सारी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी जाहिर सी बात है जब आप लोग मेडिसिन लेते हैं तो अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई देते हैं जल्दी बूढ़े हो जाते हैं आप तो आपने मेडिसिन से बचना है तो इसलिए बीमारियों से बचना है और अगर बीमारियों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है आपकी इम्यूनिटी बनती किस चीज़ से है वाइट ब्लड सेल्स से आपके वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं आपके स्प्रीन में बनते हैं आपके लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फ नोड्स जो है इसके हंड्रेड से ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में लेकिन बेसिक्स जो है वो हमारी चेस्ट में हमारी गर्दन पे हमारे कानों में आर्म पिट्स में जी हमारे आर्म पिट्स में अंडर आर्म्स में ये यहाँ पर हमारे ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं तो इसके लिए मैं तीन पॉजिज़ एक तो आपको बता रही हूँ एक तो आपने करना है हस्त प्रदान आसना ये ऊपर से आप जब नीचे की तरफ आते हैं ना अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स के लिए दूसरा आपने पश्चिम उतान आसना ये करना है और तीसरा आपने वज्र आसना में बैठना है अपने पाँव को नीचे मोड़ के जैसे नमाज में बैठते हैं ना इस तरह से आपने बैठना है और दो ब्रीदिंग है इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है सीधा बैठ जाए और फिर नाक से लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है भस्त्री का प्राणायाम इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी इसमें भी वाइट ब्लड सेल में भी आपके बी सेल और टी सेल काम करते हैं जब ये मिल के आ, काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है जिससे आपकी बीमारियाँ बिल्कुल भी आप तो कहीं कितने भी जाए कितनी बार ये तीनों एक्सरसाइज करनी है जब आप बिगिनर हैं तो आप इसको एक मिनट के लिए करें थर्टी सेकेंड्स के लिए करें लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाए तो फिर इसको आप इसका बढ़ाते जाएं, इसकी रिपीटेशन ज़्यादा बढ़ाते जाएं, जैसे वज्रासना है एक एक मिनट के लिए उसमें तीन मिनट बैठे फिर उसके पास पश्चिम उतान आसना उसमें अपने पेट को खींच के पूरे जब हाथ ऊपर की तरफ लेके आते हैं अभी कोशिश करेंगे तो आपके हाथ आपके पांव को नहीं लगेंगे लेकिन आप किसी बैंड से पकड़ सकते हैं दुपट्टे से पकड़ सकते हैं लेकिन असल में उसका दबाव जो है वो आपके सारे गट एरिया वैसे तो मैंने देखा कि आपका पेट जितना मर्जी निकला हो शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों की मेहनत के बाद आप अपने पाओ को हाथ लगाने में कामयाब हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल हो और हो मेरी राय ये है कि दूसरों के पढ़ने के बजाय बंदा अपने पाऊ पड़ जाए मेहनत कर ले उस पे। पर कर देना। आ, आप आप यकीन पे आप, आप, यकीन, करें कि मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही खुदा खास्ता या वर्बली नहीं कह रही मैंने एक महीने में दस इंच तक पेट कम करवाया दस इंच तक कमर कम करवाई है क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जितना आप मूव करते हैं ना जितना अपने पेट को दबा के योगा में ना हमने होल्ड करना होता है आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वॉक जॉग या कैलनेटिक्स या जुम्बा उसमें आप होल्ड नहीं करते योगा में हम चार चार मिनट तीन तीन मिनट एक ही पोज में होल्ड करवाते हैं जहाँ होल्ड करवाते हैं ना वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है फिर जब उसके बाद रिलीज़ करते हैं ना तो फ्रेश ब्लड उस तरफ आता है एक एक दिन में आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप खुद हैरान हो जाए आप एक दिन करके देखें किसी के बाद पर यकीन ना करें